जय हो पाए। आइए भोर की बेला का आनंद लीजिए। जागो जागो और जगाओ, होता कुछ उल्टा है आज के समय में, जो जागे ही नहीं है वो जगाने लगे हुए हैं। खुद को कुछ अनुभव नहीं है, तोते की तरह शास्त्र पढ़ लिए और लोगों को जगाने के लिए चल लिए। नहीं, पहले जागना पड़ेगा। जागो जागो और जगाओ, जागो जागो और जगाओ। कलयुग में अपराध घने हैं, कलयुग में अपराध घने हैं। गीत गोविंद के गाओ, गीत गोविंद के गाओ, गीत गोविंद के गाओ, गीत गोविंद के गाओ। जागो और जगाओ, जागो जागो और जगाओ। गंगा जमुना सरस्वती नदी, गंगा जमुना सरस्वती नदी, बहे वहां जा नहाओ। गंगा जमुना सरस्वती नदी, बहे जा हाँ बहे वहां जा नहाओ। डाल डाल और पात पात हरी, डाल डाल और पात पात हरी, हरि का ध्यान लगाओ, हरि का ध्यान लगाओ, हरि का ध्यान लगाओ, हरि का ध्यान लगाओ। जागो जागो और जगाओ, जागो जागो और जगाओ। भावासन ही कमलासन है, भावासन ही कमलासन है, हृदय कमल खिलाओ, हृदय कमल खिलाओ। प्रेम की ज्योति प्रेम का चंदन, प्रेम की ज्योति प्रेम का चंदन, हरि को तिलक लगाओ, हरि को तिलक लगाओ। जागो जागो और जगाओ, जागो जागो और जगाओ। अतिथि सेवा देव की सेवा, भूल गए हैं लोग आजकल इस बात को। अब तो अपने गुरु की सेवा भी कर दें तो भी देव की सेवा नहीं मानते। शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, अतिथि देवो भव, अतिथि साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। कलयुग की महिमा है, भूल गए लोग इस बात को। अतिथि सेवा देव की सेवा, लडवन भोग लगाओ, लडवन भोग लगाओ। सांख्य फकीरा
जल अमृत है, सांख्य फकीरा जल अमृत है, चाहो तो दूध पिलाओ, चाहो तो दूध पिलाओ, जागो जागो और जगाओ, जागो जागो और जगाओ। कलयुग में अपराध घने, हाँ भाई सतयुग में धर्म चार टांग पर खड़ा होता है, सच्चाई सफाई तपस्या और दया। त्रेता में 25% धर्म कम हो जाता है, यानी ये चार टांगों में 25% वीकनेस आ जाती है। लेकिन द्वापर में 50-50 यानी 50% धर्म खत्म हो चुका होता है, और कलयुग में एक ही टांग पर धर्म खड़ा रहता है, वह टांग भी बड़ी कमजोर सी होती है, क्योंकि कलयुग बार बार उस पर चोट मारता रहता है। यानी धर्म 25% बचता है, वो भी बड़ी वीक दशा में, कमजोर अवस्था में। कलयुग में फिर अपराध नहीं होंगे तो क्या धर्म होंगे, पूर्ण होंगे? अपराध कथाएं हैं, अपराध लीलाएं अराउंड द वर्ल्ड। कलयुग में अपराध घने हैं, गीत गोविंद के गाओ, गीत गोविंद के गाओ, गीत गोविंद के गाओ, जागो जागो और जगाओ, जागो जागो और जगाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जागो 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 और जगाओ, जागो और जगाओ, जागो और जगाओ। जय गोपाल, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सबने भोर की बेला के इस भजन का आनंद लिया। लाख काम बिसर के भी हरि का नाम लेना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों में प्रमुख भागवत गीता जो हमारा मार्गदर्शन करती है, जीवन को जीने की कला सिखलाती है, उन्हें अवश्य प्रत्येक भागवत प्रेमी को, गीता प्रेमी को पढ़ करके धन्य होना चाहिए, निहाल होना चाहिए। गागर में है भरा सागर, पान कर रस लीजिए। गीता को पढ़िए, गीता आपको
परम धाम श्री कृष्ण से मिला देंगे। जय गोपाल।